हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, तो डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने मेदांता पहुंचकर मुलायम सिंह यादव का हालचाल जाना। डिप्टी सीएम करीब आधे घंटे तक मेदांता में मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने रामगोपाल यादव से भी मुलाकात की, जहां डिप्टी सीएम ने परिवार के सदस्यों और डॉक्टरों से मुलाकात कर नेताजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी अहम खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो सीधा लखनऊ से आ रही है। यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने बारिश के प्रभावित जिलों को यहां पर निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के भी यहां आदेश दिए गए। जल भराव की समस्या का तत्काल निस्तारण हो, जनहानि और दनहानि में सहायता प्रदान करे प्रशासन, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां यूपी में हुई भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बारिश से प्रभावित जिलों को निर्देश दिया है। सभी यहां पर जिलाधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी यहां पर जगहें हैं, क्षेत्र हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते जल भराव की समस्याएं होती हैं, वहां जाकर निरीक्षण करें और जल भराव का निस्तारण किया जाए। तो लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार कर्मचारियों को दे सकती है बड़ा तोहफा। दीपावली पर कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा, डी और बोनस का मिलेगा उपहार। कर्मचारियों को बोनस का आदेश भी होगा जारी। प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा, करीब 11 लाख पेंशनर्स को भी यहां पर फायदा मिलेगा। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ आपको बताते चले, बड़ी खबर सीधा लखनऊ से आ रही है, दीपावली पर कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। यानी दीपावली का जो त्यौहार है वो कर्मचारियों के लिए बेहद खास, बेहद फायदेमंद होने जा रहा है। प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिल सकता है, बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो नोएडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने छीनू गैंग के लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया। एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो रुक ही नहीं पाया, फिल्म सिटी की ओर भाग निकला। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक आरोपी दानिश को गिरफ्तार किया है, जिस पर यहां करीब 21 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दानिश है जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान यहां गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, पुलिस फिलहाल उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गई। मैडम, आज ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, तो ये व्यक्ति वहां से भागा। इसका चौकी प्रभारी ब्रह्मपुत्रा अट्टा और सेक्टर 18 द्वारा इसका पीछा किया गया। भागती हुई ये फिल्म सिटी के पास आया और यहाँ पे निर्माणाधीन बिल्डिंग है, बिल्डिंग घर है, इसके पास इससे मुठभेड़ हुई। पुलिस पे इसके द्वारा फायर किया गया, दबाबी फायर में घायल हुआ है, इसे गिरफ्तार किया गया। इसका नाम दानिश उर्फ सयार उर्फ चीता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नोएडा से हमारा संवाददाता कंचन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कंचन, क्या है ये पूरा मामला? आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपी को अस्पताल भी ले जाया गया, पुलिस की बड़ी कामयाबी है, पूरी खबर बताएं। देखिए कंचन, नोएडा पुलिस अपराधियों को लेकर लगातार रूप से काम कर रही है और कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ये छैनू गैंग है जो कि लूट करता है, छैनू गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असला भी बरामद किया है। और कंचन मैं आपको बता दूं, नोएडा पुलिस लगातार एक के बाद एक मुठभेड़ कर रही है। जो नोएडा में लुटेरे हैं, जो चाइनीज नेचर हैं, इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है कंचन। जिस तरह से ये बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर कंचन मिली है, एक आरोपी फरार बताया जा रहा है, उसे ढूंढने के लिए, उसकी तलाश के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो नोएडा पुलिस के एडीसी द्विवेदी, अभी मैंने उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस के जो अधिकारी आशुतोष द्विवेदी, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज या कल उसको भी गिरफ्तार कर ले जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। छेनू गैंग के सदस्य यहां पर गिरफ्तार किया गया, पैर में गोली लगी जिसके बाद तुरंत अस्पताल भी उसे पहुंचाया गया पुलिस के द्वारा। तो आगरा में आज सुबह सुबह इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला। कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर गुलाब चंद लधानी के घर पर यहां प्लांट पर आयकर टीमों ने छापा मारा है। लाजपत कुंज स्थित आवास, होटल, बॉटलिंग और आइसक्रीम प्लांट समेत 8 जगहों पर टीम ने कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि देश के कई ठिकानों पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी में आगरा की कोठी पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। आयकर टीम की गाड़ियों के पहुंचते ही कोठी के गेट बंद कर दिए गए। तो एक्शन में आयकर विभाग यहां पर नजर आ रहा है। आगरा से ये बड़ी खबर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आयकर विभाग यहां पर जैसे ही पहुंची तो कोठी के गेट को बंद कर दिया गया। आगरा बरेली में इनकम टैक्स का लगातार यहां पर छापा देखा जा सकता है। तो एक्शन में आयकर विभाग यहां पर नजर आ रहा है, बड़ी खबर। आपको बताएं कि आगरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई है। कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग जैसे ही यहां पर कोठी पर पहुंचे तो देखिए कोठी के दरवाजों को ही बंद कर दिया गया। बड़ी खबर, एक्शन में भले आयकर विभाग यहां पर दिख रहा है लेकिन यहां सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जिशान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिशान, आगरा में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकानों पर छापेमारी की गई, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल संचन, मैं आपको बता दूं, आयकर विभाग की टीम ने शुक्रवार को लाजपत कुंज में कोका कोला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर छापा मारा है और आयकर विभाग की टीम ने कई शहरों में आज छापेमारी की है। लाजपत कुंज के ब्लॉक नंबर 9 कोटी नंबर 9 में आयकर विभाग की टीम ने कई गाड़ियां पहुंची। टीम ने कोटी के अंदर जाते ही सारे गेट बंद कर दिए। ये कोटी गुलाबचंद लदानी की है, वह कोका कोला कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आसपास के लोग ये जानने के लिए व्याकुल से कि आखिर आयकर विभाग की टीम ने यहाँ पर छापा क्यों मारा है। हालांकि आयकर विभाग की टीम जब अंदर कार्रवाई कर रही थी तो वहां पर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और किसी को बाहर आने की अनुमति नहीं थी। जी कंचन, यहां पर एक और इसमें बड़ा सवाल यही उठता है जिशान, जिस तरीके से यहां पर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची तो खबर यह भी है कि कोठी के दरवाजों को बंद कर दिया गया अंदर से। आयकर विभाग को कुछ देर तक बाहर इंतजार करना पड़ा है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पहले तो आयकर विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी तो कोठी का गेट बंद था। आयकर विभाग की टीम खड़ी रही वहां पर और फिर उसके बाद जब आयकर विभाग की टीम के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने अंदर बेल वगैरह बजाया तो कोठी का गेट खोला गया। फिर उसके बाद से आयकर विभाग की टीम ने पूरी कोठी पे कब्जा कर लिया और जो अंदर लोग थे उनको अंदर ही रोक लिया गया और बाहर वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। अपनी कार्रवाई कर आयकर विभाग की टीम वहां से रवाना हो गई। जी बहुत बहुत शुक्रिया जिशान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो एक्शन में आयकर विभाग पूरी तरह से यहां पर नजर आ रहा है। आगरा बरेली में इनकम टैक्स का यह छापा पड़ा जिसमें कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। हालांकि कुछ वक्त तक आयकर विभाग की टीम को बाहर खड़े होना पड़ा क्योंकि कोठी के दरवाजों को कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से बंद कर दिया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में तमाम अधिकारी जुट चुके हैं। तो हमीरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे बाइक सवारों ने एक ट्रैक्टर ने उनमें टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं राहगीरों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये पूरी घटना मौधा कोतवाली की बताई जा रही है। तो मूर्ति विसर्जित कर लौट रहे थे ये लोग, बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें कि यह बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद हर कोई यहां पर बड़ा डरा हुआ है। सड़क हादसे में गंभीर रूप से ये लोग घायल हुए जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
खबर कन्नौज से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। वहीं राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल यहां पर शुरू कर दी। तो कन्नौज में 12 वफात और वाल्मीकि जयंती को लेकर कन्नौज पुलिस ने होमवर्क शुरू कर दिया है, जिसे लेकर एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने सेंट्रल पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। बता दें कि इस बार यहां पर बारफा और साथ ही वाल्मीकि जयंती रविवार को एक ही दिन पड़ रही है। दोनों त्योहारों पर जुलूस और शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। कन्नौज एसपी ने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया है। एसपी ने जुलूस और शोभा यात्रा के रूट का मंथन कर पुलिस और पीएससी फोर्स संवेदनशील जगहों पर तैनात करने की बात कही है। दोनों त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए शांति कमेटियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुलिस फोर्स के साथ थाना और चौकी क्षेत्रों में सभी शांति कमेटियां अराजक तत्वों पर खास नजर रखेंगी। आगामी 9 तारीख को 12 वफात और वाल्मीकि जयंती की शोभा यात्राओं के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त पर्याप्त पुलिस बल के साथ में किया जा रहा है। पीएसी की कंपनियां भी डिप्लॉय की जा रही हैं। इसके अलावा सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग के साथ साथ स्थानीय थाने के स्तर पर पीस कमेटी के सदस्यों के साथ में गहनतापूर्वक मीटिंग्स कर ली गई हैं और बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि इन पर्वों को सकुशल संपन्न कराया जा सके। चलिए इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। WHO ने 4 कफ सिरप को असुरक्षित घोषित किया है। यूपी सरकार ने किया अलर्ट जारी, 4 कफ सिरप को पूरी तरह से रोक है, जहां मिलेंगे वहीं किया जाएगा जब्त। यहां पर प्रोमेथाजीन ओरल सॉल्यूशन सिरप पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, तो 4 सिरप्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है, 4 कप सिरप पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, जहां मिलेंगे वहीं पर इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। प्रोमेथाजीन ये एक सिरप पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। मकॉफ बेबी कप सिरप ये भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यूपी सरकार ने अलर्ट जारी किया है, 4 कप सिरप पर पूरी तरह से रोक है। बड़ी खबर, जहां भी ये कफ सिरप मिलेंगे वहीं पर इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। तो प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसलिंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रिचर्ड हेड से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश एवं व्यापारिक भागीदारी को बढ़ाने के लेकर यहां चर्चा की है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ब्रिटेन और उत्तर प्रदेश के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाने को लेकर मुलाकात काफी अच्छी, काफी सार्थक रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश के कृषि के क्षेत्र में योगदान के साथ ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर भी चर्चा हुई, साथ ही मेडिकल उपकरण बनाने और हेल्थ केयर के क्षेत्र में कार्य करने और छात्रों के आदान प्रदान पर कार्य करने पर भी चर्चा की गई है। इस मीटिंग विद एग्जीक्यूटिव चेयर ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। UKIBC has been a long-standing partner of Indian businesses, particularly through institutions like CII, and I thank CII for bringing him to me after a long time. We had met earlier also, and I reminded him of my visits to UK along with Prime Minister Mr. Modi. We have been, of course, discussing business development between the two countries, and today also we discussed a number of important areas
where India and UK arrest can collaborate. It includes, as he said, it includes energy, it includes health, education, even agro-processing. I told him that there are many good technologies in UK about that. And all this can be perhaps then taken forward by the startups which India has in large number. So we had a very good discussion, and in the coming days and months, we want and we wish that we will be able to take it forward. Well, I had a very interesting and really productive meeting with the Minister. He gave me lots of pointers as to areas where we should be collaborating or we will be collaborating in the future. We covered areas such as energy, we covered areas such as education, health, defence. It really was an extremely good exchange of information and ideas as well. And I really am looking forward to taking everything forward. So thank you very much. It was really, really helpful. Thank you. तो लखनऊ के सेवायोजन निदेशालय में सीआईटीएस प्रशिक्षित युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि अनुदेशक मुख्य परीक्षा का आयोजन 17 जुलाई को होना था, लेकिन इस परीक्षा को आयोजित नहीं किया गया। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने प्रदेश सरकार से परीक्षा को जल्द से कराए जाने की मांग की है। इसका मुख्य कारण यह है कि विभाग जो है व्यावसायिक शिक्षा विभाग, जिसका निदेशालय यहाँ पर है, 2504 अनुदेशकों की भर्ती निकाली गई थी, वो लगातार हमारी भर्ती को इग्नोर कर रहे हैं। जो दिक्कतें थी यूपी ट्रिपल एससी ने इन्हें बताई, उसका पूरी तरीके से समाधान नहीं किया। हम लोग बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि विभाग की हालत 70% अनुदेशक के पद खाली हैं, शिक्षक ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, और विभाग सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि यूपी के जितने गवर्नमेंट आईटीआई हैं, मास्टर नहीं है, फिर भी हमारी भर्ती को कोई गौर नहीं दिया रहा। आठ साल बाद आईटीआई में मास्टरों की भर्ती आई 2504 पैट के थ्रू, और वो भी लटक गई है सर, एक साल से हम। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य स्तरीय कृषि उत्पाद पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शिरकत की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और किसानों की मदद के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। कार्यक्रम में डीएम और एसडीओ के साथ ही सीडीओ के साथ ही यहां पर कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, राज्य स्तरीय रवि गोष्ठी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अधिकांश किसान जो है वो किसानी का काम करता है, और लगभग 68% ऐसे लोग हैं जो खेती पर अपनी आजीविका को संचालित करते हैं। और इसलिए हर साल इस बात का प्रयास किया जाता है कि राज्य के भीतर खाद्यान्न उत्पादन तेजी से आगे की ओर बढ़ाया जाए। जो उत्तर प्रदेश का सौभाग्य रहा है कि पिछले वर्षों में 600 लाख मीट्रिक टन और उससे ऊपर भी प्रति का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश ने बनाया है, उसमें रबी के फसल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और विशेष रूप से गेहूं उत्तर प्रदेश जो है गेहूं में देश में सबसे सर्वाधिक। तो लखनऊ में कृषि विभाग की ओर से रवि उत्पादक गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद हैं। वहीं कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी डीएम और सीडीओ भी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अलग अलग कृषि यंत्रों पर सरकार किसानों को छूट देगी। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पाद तेजी से बढ़ाने का काम लगातार किया जा रहा है। खेती कैसे हो, इसके लिए किसानों को जागरूक करने का भी काम हो रहा है। करोड़ों रुपए से किसानों का विकास भी आने वाले समय में होगा। तो लखनऊ में पूर्णिया मंडी में तेज बारिश की वजह से एक पेड़ टूटकर दुकानों पर गिर गया। पेड़ गिरने से बिजली का तार और पोल भी टूट गए। हालांकि हादसे में दुकान में मौजूद लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ।
तो बारिश की वजह से ये पेड़ किस तरह से टूटा, ये आप देखिए स्क्रीन पर, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुकान पर ये पेड़ जो गिरा, साथ ही साथ बिजली का तार और यहां पर जो पोल है वो भी इस पेड़ के गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि दुकान के अंदर जो लोग थे उन्हें किसी तरह से चोट नहीं आई है। तो पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बता दें कि प्रदेश के महाराजगंज जिले में बारिश की वजह से जिला मुख्यालय, एसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय सहित शहर के कई मोहल्लों में भारी जल जमाव हो गया, जिसके चलते आमजन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पुलिस स्टेशन के अंदर तक यहां पर पानी भरा हुआ है, लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जल निकासी की कोई भी सुविधा यहां पर नहीं है, जिस वजह से बारिश की वजह से यहां लोगों को अपने घरों में ही कैद होना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में ब्राह्मणों को यहां गाली देने पर वकीलों ने राजेंद्र यादव नाम की सख्त से यहां पिटाई कर दी। बता दें कि पूरा मामला रानीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर कुछ दिन पहले रानीगंज विधायक आरके वर्मा की सभा में सरेआम ब्राह्मणों को पीटने की बात कही थी, जिसके बाद तहसील में वकीलों ने पिटाई कर दी। तो सीतापुर के गोपालपुर गांव के पास गौवंश के काटे जाने की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। गौवंश के काटे जाने की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी सुशील कुमार यादव ने कहा कि गौवंश काटे जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो कानपुर न्यायालय में एडीजे में कार्यरत बाबू से अधिवक्ता की बहस हो गई, जिसके बाद से ही न्यायालय के सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं। कर्मचारी ने यहां न्यायिक काम पर रोक लगाकर हड़ताल की है और अधिवक्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर अधिवक्ताओं ने भी शुरू किया बाबू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लखनऊ पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आरोपी फर्जी जज बनकर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का यहां पर जाल में फंसाकर मानसिक शोषण करता था और अश्लील वीडियो के बल पर वसूली करता था। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आरोपित के पास से 4 लाख रूपये के जेवरात, 4 मोबाइल और 6 सरकारी विभागों की मोहर भी बरामद की गई है, जिसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मानसिक शोषण करने पर यहां गिरफ्तार किया। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को कामयाबी मिली है। ये शख्स यहां पर विधवा और बेबस महिलाओं को अपना शिकार बनाता था और अपने आप को यहां पर जज बताकर उनसे ठगी भी करता था। ठगी के साथ साथ मानसिक शोषण करने का भी आरोप इसके ऊपर लगा हुआ है। तो लखनऊ की ये बड़ी खबर है, जहां इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। हजरतगंज की पुलिस टीम और साइबर क्राइम की जो टीम है उसके द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक शातिर अभियुक्त जिसका नाम विष्णु शंकर गुप्ता है, जो कि कानपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पूर्व हमें एक सूचना मिली थी कि एक महिला को एक युवक ने झांसा दिया है और खासकर ऐसी महिलाओं को ये टारगेट करता था जो कि
या तो डिवोर्स होती थी या विधवा होती थी, और ऐसी महिलाओं को शादी का झांसा देकर ये अपने आप को सिविल जज बताता था और बताकर उनसे तो बीजेपी जनता युवा मोर्चा ने नोएडा में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिला कार्यकारिणी के लिए आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को केंद्र और प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों की भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव के साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। तो आगरा के आर मधुराज हॉस्पिटल में आग लगने से हॉस्पिटल संचालक, उनकी बेटी और बेटे की मौत हो गई थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अभियान चलाकर बेसमेंट में मरीज भर्ती करने वाले हॉस्पिटल्स को बंद करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में कमिश्नर अमित गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अस्पतालों को चिन्हित करें और नोटिस दे। यमुना पार के 5 हॉस्पिटल को डिप्टी सीएमओ डॉ नंदन सिंह के निर्देश पर सील कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।